एक्चुअली आज के मॉडर्न जो सॉन्ग्स आ रहे हैं जो नए सॉन्ग्स आ रहे हैं उस तरह से हम लोगों ने थोड़ा अच्छे आ, कुछ अच्छे आर्टिस्ट के साथ कुछ अच्छे हमारी जो मिस प्रिया हैं राइट और ये बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि ये लोगों को भी बहुत पसंद आएगा और ये फर्स्ट एल्बम है और जनता को बहुत पसंद आएगी मुझे ऐसा लगता है एल्बम एक्चुअल में ये थोड़ा एक रोमांटिक एल्बम हमने बनाया है हालांकि मेरा एक फेवरेट एक्टर तो इमरान हाशमी है जिनको मैं कभी कभी फॉलो भी करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस उनका कहीं ना कहीं थोड़ा मैच करता है तो उसके हिसाब से तो बोल क्या इसके गाना कैसा होगा नया होगा या कवर वर्जन होगा किस तरह का ये एक नया गाना है नया सॉन्ग बनाया जिसका सिंगर मिस्टर शहनवाज खान है और मिस्टर अभय देव है इन्होंने नया गाना कंपोज किया अच्छे सिंगर हैं इन्होंने अच्छा गाना गाया है आप अभय और शाहनवाज पर कितना भरोसा करते हैं कितना ट्रस्ट कि गाना हिट होने वाला है आने के इन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए हैं इससे पहले भी से इनके भी पहले भी कुछ काफ़ी सारे गाने हिट हुए हैं तो मुझे पूरा यकीन है जैसे धड़कन इन्होंने धड़कन है तू, जो इन्होंने गाना गाया है मुझे लगता है कि ये गाना भी इनका काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा गाने के बाद काम नहीं रुकता है है उसके बाद शूटिंग भी होती है। मतलब वीडियो में कौन एक्ट्रेस होंगी? किस तरह का परफॉर्मेंस एक्चुअली में ये वीडियो शूट हो है। चुका है ऑलरेडी हम लोग आज जो है इसका प्रीमियर लॉन्च कर रहे हैं जिस की मिस प्रिया है तो वीडियो शूट हो चुका है और एल्बम भी रेडी हो चुका है तो जैसे ही ये इंटरव्यू होता है उसके बाद हम लोग लॉन्च करते हैं दर्शकों है। से यही कहेंगे कि बहुत प्यार दीजिएगा कंपनी का नाम दीजिए और ये हमारा जो चैनल है हालांकि ग्रीन फिल्म ग्रीन ग्रीन म्यूजिक ऑफिशियल के नाम से ये रिलीज होगा और ये यूट्यूब पर देख सकते हैं वहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल तो देख सकते हैं, हमारे को करें और, जुड़े हैं, हैं। और मैं सभी लोगों को ऑल ओवर इंडिया के जनताओं को कहना चाहूँगा कि ग्रीन म्यूजिक ऑफिशियल यानी ग्रीन फिल्म प्रोडक्शंस को वो आप सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और अगर आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो हम ऐसे सॉन्ग्स और ऐसे वीडियोस हम लोग और भी आपके सामने माय नेम इज़ प्रिया हवेलिया प्रिया हवेलियाम सर जैसे मैं हमेशा से सिंगिंग और एक्टिंग में हमेशा रुचि रखती हूँ इसीलिए मैं मुंबई आई और बहुत ही जल्दी हमारी मुलाकात रवि जी से हो गई तो उनसे हमारी बात हुई कि एल्बम शूट हम कर रहे हैं तो उन्होंने पूछा कि आप इंटरेस्टेड हैं एक्टिंग के लिए इनके साथ मैंने कुछ गाने भी रिकॉर्ड करे हैं तो एक्टिंग में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एल्बम शूट में बट इट वॉज़ रियली गुड हाँ और मतलब पूरे टीम वर्क था शान शहनवाज़ और अभय और फिर रवि जी सब ने कम्फर्ट प्रोवाइड किया और मतलब ईजिली हम लोगों ने कम से कम सात आठ घंटे का शूट था हमारा एक दिन का और डे टू इवनिंग तक पूरा अच्छे से शूट हुआ सिंगिंग इस सॉन्ग में फीमेल नहीं है इस सॉन्ग में अभय और शाहनवाज ने परफॉर्म किया है एक्टिंग में हमने और रवि जी ने तो परफॉर्म किया है, है।, है। हाँ एक्टिंग थिएटर मैंने करे हुए हैं लखनऊ में तो थिएटर से मुझे थोड़ा सा था बट इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग ये था बिकॉज इट वॉज द वर्क ऑफ एक्सप्रेशन इसमें डायलॉग्स नहीं थे एल्बम में थिएटर में हमारे पास सिर्फ डायलॉग्स होते हैं एक्सप्रेशन होते हैं सब तो इसमें सिर्फ लिपसिंग तो भी नहीं करनी थी हाँ जी हम लखनऊ से, लगनो से हैं लखनऊ से बॉम्बे हाँ एक्टिंग और सिंगिंग के लिए मैं ये तो आपका हाँ जितना आपको चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा सॉन्ग सॉन्ग में है कि, मतलब ऐसा है कि कि मतलब ऐसा जो लोग देख सकें हाँ सर सॉन्ग में जो भी हम लोग ने प्रोवाइड किया है जैसे रोमांटिक में उसमें स्विमिंग पूल के व्यू हैं और बातचीत के व्यूज हैं और मतलब ऐसे हैं तो एक दर्शक के लिए जैसे हम भी नॉर्मल अगर मूवी देखने जाते हैं तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हीरो हीरोइन से तो हमने वो सब प्रोवाइड करा हुआ है

तो ये बेस्ट होगा तो दर्शकों से मेरा कहना है ज़रूर हम लोग को फॉलो करें सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें हम आगे इस तरह के क्या आप जैसे डिमांड करोगे हम वैसे एल्बम्स लाएंगे और रोमांटिकेड एनी थे किस तरह का गाना है ये गाना बहुत अच्छा है और हम सफर ये एल्बम का नाम है बहुत बेस्ट सॉन्ग है मैंने ही गाया है कॉम्पोज भी मैंने किया है जिसमें प्रिया जी ने एक्ट किया है रवि साहब ने आप बहुत गायककार हैं पहले भी गाना गा चुके हैं तो हाँ मैंने मेरा सेकेंड फोर्थ एल्बम आ चुके है तो ये गाना कितना अलग है और गाना बहुत डिफरेंट है आज से रजित टाइप का ये सॉन्ग है बहुत अच्छा सॉन्ग है हम सफर करके मत हाँ दो वर्ड में इनको सुना दे रहा हूँ दर्शकों को ओ मेरे हम ओ मेरे हम ओ मेरे हम ओ मेरे हम नवा, जीना नहीं मुझको तेरे बिना और मैं मेरा फर्स्ट टाइम ये एल्बम नहीं है बहुत फोर्स नेक्स्ट एल्बम आ रहा है हाँ। नेक्स्ट एल्बम में आ रहा है हम दम करके जो मिस्टर राजदेव उसमें एक, एक सर, एक्टर रहा रहा है। नाम सर मेरा नाम राज थापा है राज मेरा नाम मेरा न्यू एल्बम आने वाला है जिसके रवि सर के सपोर्ट से और अभय अभय और शहनबाज के सपोर्ट से ये मुझे ये चांस मिला है इस एल्बम एल्बम के बारे में क्या कहेंगे आपने देखी दर्शकों ये ये, ये एल्बम मैंने देखी ये एल्बम का गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ये एल्बम बहुत ही शानदार होने वाला है आई थिंक मैं तो दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इनको सपोर्ट करें लाइक करे सब्सक्राइब करें ग्रीन शाहनवाज भाई क्या कहेंगे आप आप और बस, हो गया। बस सर मैं ये बोलता हूँ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करे डेन्सर करें क्यों दिल मेरा तोड़े दिया क्यों साथ मेरा छोड़े दिया क्यों दिल मेरा तोड़े दिया क्यों साथ मेरा छोड़ दिया ओ बेवफा ओ बे वफा ओ बेवफा मुझको बता ओ बे वा ओ बे वफा ओ बे वफा मुझको बता दर्शन से ये कहना चाहता हूँ प्लीज एंजॉय करे मुझे सपोर्ट करें ग्रीन फिल्म म्यूजिक को सपोर्ट करें लाइक सब्सक्राइब करें यू